الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله تبارك وَأَعْلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آج آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ درود پڑھیں بلکہ آج کہوں گا کیا کہیں ان اللہ بڑا مشکل دن ہے آج کا اس لیے کہ آج کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جن کے والدین کے بچے کچھ دیر کے مہمان ہیں دو چار منٹ آپ کی سماعت حاصل کروں گا ہمت حوصلہ نہیں ہے مصائب آل محمد بیان کرنے کا حسین کیا جنگ کریں گے جن کا عباس جیسا بھائی چلا گیا ان کے آل محمد جیسے جن کے قاسم جیسے چلے گئے جن کے جناب علی اصغر جیسے چلے گئے جن کے اصحاب با وفا چلے گئے لیکن نہیں غدار حسین نے بڑی خوبصورت جنگ کی جنگ کرتے کرتے روایت کہتی ہے کہ جب زخم زیادہ ہوتے ہیں تو شدت اختیار مر جاتا ہے حسین کی پیاس انتہا کی پیاس پیاسی حالت میں اسکر پہنچا پیاسی حالت میں لاش احمد کو اٹھائے ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ سے دائیں دیکھ بی بی کو پکارا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اور کہا کہ بہن زینب مجھے پھٹا پرانا لباس لا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا بھیا حسین یہ پھٹا پرانا لباس کس کے لیے ہے مولا نے ارشاد فرمایا پھٹا پرانا لباس کس لیے پہن رہا ہوں کیونکہ یہ میت کو بھی عریان کر دیتے ہیں عزادارو حسین ابن علی میدان کی طرف بڑھے جب سوار ہوں گے لگے ہوں گے تو ضرور ذہن میں آیا ہوگا کہ ہر ایک کو میں نے سوار کیا ہے لیکن میں اگر ایک حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہر ایک کے لئے اور ابھی میں بڑا حیران ہوں مسلمانوں پر کہ لوگ اپنی اپنی قبروں کو بنا رہے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتے داروں کی قبریں بنا رہے ہیں بنی ہوئی قبروں کو بنا رہے ہیں جبکہ لاش حسینی بے گوروں کا فن پڑا ہے بس عزاداروں حسین ابن علی کا بہترین جنگ کرنا جنگ کرتے کرتے
फरात की तरफ बढ़ना, फरात के अंदर दाखिल होना, पानी ना पीना और फिर कौम अशिया को बताना कि आशिक खुदा कौन होता है, आशिक खुदा कौन होता है। हुसैन इब्न अली मैदान में थे, मेरे मौला ने तीन बातें की थी, कहा कि कोई एक बात तस्लीम कर लो, यजीद से मुखातब होके उन तीनों में से एक बात ये थी कि तुम एक एक करके मेरे मुकाबले में आओ। इसी बात को यजीद ने तस्लीम किया कि ठीक है हम एक एक करके आपके मुकाबले में आ जाएंगे। दूसरी दो शर्तें आपकी मंजूर नहीं है, जब एक एक करके वो मुकाबले में आने लगे हुसैन इब्ने अली पलक झपकने से पहले जो आता उसको फिनार कर देते। अब इस यजीद ने अपनी फौज की तरफ देखा, बहुत बड़ा खिलाफ पड़ गया, इसने कहा कि नहीं इस तरह नहीं, सारे इकट्ठे होके चारों तरफ से हुसैन पर हमला करो। अल्लाह दारो 30,000 से ज्यादा फौज अशकिया में ऐसी है कि जिनके हाथों से हुसैन इब्न अली को जख्म पहुंचे हैं, तलवारें चमकने लगी, नेजे चमकने लगे, पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। हुसैन इब्न अली तनहा हजारों की तादाद में तलवारें, हजारों की तादाद में नेजे, कहीं से हुसैन की तरफ नेजा पड़ रहा था, कहीं से तीर पड़ रहे थे, कहीं से पत्थर आ रहे थे। अज़ादारों अभी हुसैन लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं कि निदाए खुदाबंदी आई, हुसैन अपना वादा पूरा करो। जब निदाए ना कि अपना वादा पूरा करो, उस वक्त हुसैन जीन पर थे, हलक में तीर लगा हुआ था, पेशानी पत्थरों से जख्मी थी और इंतहाई जख्मी हालत में, इंतहाई जख्मी हालत में मेरे मौला ने तलवार को नियाम में डाला। तलवार का नियाम में डालना था कि पीछे से एक लाइन ने नेजा मारा, हुसैन इब्न अली की पुश्त पर लगा। अब हुसैन इब्न अली तीन से जमीन पर आए। रवायत लिखती है कि जब तीन से जमीन पर आए ना तो जहां गिरे जख्मी हालत में, अब देख रहे हैं कि मेरी मक्तलगाह कहाँ है, मैंने कहाँ शहीद होना है। बड़ी मुश्किल से अपनी मक्तलगाह की तरफ बढ़े हैं और एक मर्तबा ऋषि का आलम है हुसैन इब्न अली पर। यजीद कैसा है, काफी देर तक इंतजार किया, पता नहीं हुसैन जिंदा है कि शहीद हो गए हैं। ऐसा करो कि तुम घोड़ों का खयाल की तरफ मोड़ो, अगर हुसैन जिंदा होंगे तो जरूर उठेंगे। ने हुसैन कौम अशकिया का खेमों की तरफ घोड़ों का ले जाना था कि हुसैन अपने आप को एक मरतबा उठा के जमीन पर गिराया और कहा कि तुम जंग के असूल भी भूल गए हो, अभी मैं हुसैन जिंदा हूँ, अभी मैं हुसैन जिंदा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में तुम खेमों की तरफ बढ़ो। अल्लाह ने हुसैन एक मरतबा
काफी लोग आए मेरे मौला को शहीद करने के लिए, सल्तन से जुदा करने के लिए, लेकिन आजादारों कोई भी न कर सका सिवाय शिमर के। अब शिमर जब आया ना मेरे मौला के सीने पर बैठा और 13 जरबों के साथ इसने हुसैन को ज़िबह करना शुरू किया पर ये मंजर देख रही थी और कह रही थी कि मेरा भाई हुसैन प्यासा है, मेरा भाई हुसैन प्यासा है, हुसैन की कोई मदद क्यों नहीं करता। ये नवासा है रसूल है, ये वो है कि जिसने मोरे नबूवत की सवारी की है, इसकी कोई मदद क्यों नहीं करता। आज़ादारो ये बीबी कह रही थी हुसैन ज़िबह हो रहे थे, ज़िबह होते होते ऐलान किया जिब्राइल ने कद कोतला हुसैन कर्बला, हुसैन कर्बला की जमीन पर शहीद किए जा चुके हैं। अब आज़ादारो ये ऐलान सुनना साल की खेमों में एक मरतबा को हराम बर्पा हुआ। अब वह दो लाशें जो रवायत लिखती है कि लाश हुसैनी इस तरह पामाल हुआ कि घोड़ों के टोपों तले आके टुकड़े टुकड़े हो गया। अज़ादारो रवायत लिखती है पता नहीं किसने कमर बंद लूटा, किसने दस्तारे हुसैनी लूटी, किसने नालैन हुसैन लूटी, किसके हाथों से अंगूठी उतारी के उंगली काटी। अज़ादारो हुसैन इब्ने अली का जो कमर बंद था जिस लाइन ने उतारा है, रवायत लिखती है कि दोनों बाजुओं को कता करके हुसैन इब्ने अली का कमर बंद जो है वो लूटा गया है। अज़ादारो हुसैन का लाशा पामाल हो गया। अब खेमों में आग लग गई, जब खेमों में आग लगी ना तो सारी मस्तूरात खेमा में आई। बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से कहा सज्जाद अब हाकम वक्त तुम हो, वक्त के इमाम तुम हो, अपनी तरफ से फतवा सादर करो, खेमों में आग लग चुकी है, हमारी विदाई लूटी जा चुकी है, हम क्या करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बीबी अम्मा अपने चेहरों को बालों से छुपा लो, कर्बला की मिट्टी जो है वो अपने सरों में डाल के जलते हुए खेमों से बाहर निकल जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह